ये रोड तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक नहीं हो रहा? चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, लगता पहले पे चढ़ानी पड़ेगी। चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा भाई, कमोन 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 नोवा कमोन कमोन कमोन। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अभी आप सोचते रहेंगे कि ये डायरेक्ट इधर क्यों बना रहे, क्या करें, अभी रात को निकले थे, रात को वीडियो बराबर नहीं बनती, इसलिए मैं अभी शूट कर रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ से ही शूट कर रहा हूँ। अभी राइट मारेंगे तो पेन आएगा और लेफ्ट मारेंगे तो वाटरफॉल आएगा, हमको जाना है वाटरफॉल। ओहो भाई साहब, ये ट्रक वाले, भाई गॉड, हमारे प्रज्योत अन्ना हैवी ड्राइवर मीन्स प्रो राइडर। से हाय टू माय कैम ब्रो। हम जा रहे हैं मजे लेते लेते नेचर के, क्या व्यू है। ओहो, ऐसी जगह पे राइड करने का अलग ही मजा है। सिटीज में तो ऐसे रोड मिलते हैं नहीं, रोड गिले इसलिए लीन नहीं कर रहे, अगर रोड सूखे होते तो भाई लीन भी कर लेते, तो भी थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं, खुद के रिस्क पे। पर सेफ्टी गेयर सारे पहना क्या? ओहो, क्या नज़ारा है यार, खतरनाक, वाओ, कुछ ज़्यादा ही अच्छा नज़ारा है। बस बारिश ना आए तो और अच्छा हो जाएगा। हमारे प्रज्योत अन्ना को तो बारिश, गिल्ला रोड कुछ नहीं नड़ता, ले लेन पे ले। ओह मक्खन रोड, मक्खन रोड। हमारी तीन बाइक्स आई हैं, एक तो अपनी नोवा मीन्स ये अपनी ड्यूक 200 और एक NS 200 और एक NS 200, मतलब दो 200 NS और एक ड्यूक। आप कैमरा का एंगल बराबर मेरे को बता देना कि आपका कैमरा का एंगल बराबर था कि नहीं था। A few inches later, शील्ड बंद कर लिया ताकि एयर विंड ना आए और मेरी नॉइज आपको बराबर आए। देखना अभी कैसे आएगा पीछे से उसको ना देखा नहीं जाता कोई उससे आगे जाए तो। ओ क्या बैंड है। A few moments later, मजा आ गई लीन करने में। ओहो, थोड़ा ऑफ रोड भी हो रहा है, सबके मजे लेते हुए जाएंगे ऑफ रोड लीन। और ये वेदर, अच्छा रोड आया नहीं, फेलना चालू। देखते फोर्थ गियर पे कितनी जाती है। 140 104, 112, 118। ओ भाई साहब क्या लीन है, मजा आ गया। बाय गॉड, ओ ग्रेट से फ्रॉम खड्डा बोले तो पोर्ट होल। हमारे प्रज्योत भाई का ये ऐसे ही मैकविल बैंड हो गया, 104 के स्पीड में बड़े खड्डे में डाल दी गाड़ी, कोई फटके लगे हैं उनको 500 के, वो तो ट्यूब के, अभी जब वो बनाएंगे तो उसके अलग लगेंगे। हमारा भी गोप्रो का एक चीज़ घूम गया जिसके वजह से मुझे भी लग गए हैं 1000-1500 के फटके, पर चलता रहता है, छोटी मोटी राइड है,
राइड पे तो ये सब होता रहता है। आप मजे लीजिए वीडियो के। ओ भाई साहब, जरा इधर भी देख ले भाई। आगे आने देता हूँ लोग को, आगे जा जाके मजा नहीं आ रहा। आपको थर्ड मेंबर से तो मिला है नहीं, फिर को और थोड़ा स्लो करता हूँ, वो भी आ जाएगा। ओ भाई साहब, खड्डे 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 खड्डे, रिस्क लेके वीडियो बना रहा हूँ भाई साहब, क्योंकि मेरा जो गोप्रो का वो गार्ड रहता है उसका ही बाहर का ढक्कन घूम चुका है, जिसकी वजह से कभी भी मेरा गोप्रो गिर सकता है। पर क्या करें, करना पड़ेगा, शौक बड़ी चीज़ है और ये सब मैं मिस नहीं कर सकता और ना ही आपको मिस करा सकता हूँ। ऑफ रोड भी हो रही है, ऑन रोड भी हो रही है, मज़ा आ रहा है गाइस। ये मेरा पहला व्लॉग है, प्लीज़ मुझे बताना कि कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में, और जो भी जो चीज़ भी आपको मतलब पसंद ना आई हो, मतलब ऐसा लगे कि मतलब ये बंदे को ये चीज़ में मतलब थोड़ा इम्प्रूव होना चाहिए। अब ये मेरा पहला व्लॉग है तो ऐसा तो नहीं है कि मैं परफेक्टली सब बना पाऊँगा, सबके जैसे जो मतलब प्रोफेशनल है बन चुके हैं, हम भी बनेंगे आपकी कृपा से, बस आप प्यार दिखाना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए और क्या और करना चाहिए, जिससे मेरा मतलब व्लॉग और बेटर दिखे आपको। और आगे भी बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टेंट आते रहेंगे, जैसे कि अपनी नोवा वर्सेस NS200 क्लोज कॉल्स वगैरह, वो सब के भी वीडियो आते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करके लेना, खाली वीडियो मत देखना। अच्छा, रोड आ गया वापस, ये रहे हमारे तीसरे साथी, रेड NS200 BS4 और वो आगे वाली BS6 न्यू मॉडल। ये बंदे ने पीछे का वही हटा के रखा है, जिससे वो देख रहे हो उसके उसके रेनकोट की हालत देख रहे हो। ये तो होना ही था, बारिश मत आ भाई तू मत आ। BS6 में आवाज़ अच्छी है कंपैरिजन टू BS4, और ये तो भाई अपनी नोवा BS6, इसकी तो आवाज़ सिग्नेचर साउंड ही पता नहीं इन्होंने क्या कर दी, पर जो भी करो प्यार बहुत है इससे, क्योंकि ये जो नया मॉडल है उसका सीटिंग कंफर्ट बहुत अच्छा है, पिलियन के लिए भी और राइडर के लिए भी, क्योंकि जो पहले वाली BS4 थी वो अच्छी तो थी पर सीट बहुत छोटी थी उसकी, राइडर की भी, राइडर की तो थोड़ी ठीक थी पर पिलियन की बहुत छोटी थी जिससे बहुत दिक्कत आती थी। अब भी दोनों सीट बराबर है और ये सीटिंग कंफर्ट तो भाई क्या ही बोलूँ, खाली आवाज़। यूट्यूब पे 2-3 वीडियो देखे मैंने, बंदे हैं जो मतलब साइलेंसर में होल करते हैं 2 या 3, जिससे मतलब थोड़ा बेस साउंड वो पहले जैसा थोड़ा मतलब पूरा सेम तो नहीं पर थोड़ा बेस साउंड आता है, पर मैं सोच रहा हूँ करूँ ना करूँ, क्या करें भाई, अपनी नई गाड़ी है ना और प्यार भी बहुत है, देखेंगे 1-2 साल बाद मन हुआ तो। एक तो केरला का बंदा था, हाँ शायद से उधर का ही बंदा था, वो बंदे ने BS4 का साइलेंसर ही लगा दिया। आरेश आ रही है, जा रही है, आ रही है, अरे रे 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 रे, असल बारिश आ गई। चलो भाई लोग, लगता है आज का व्लॉग इतना ही बनेगा, अभी रख ही देता हूँ भाई, अभी रख ही दे, अभी पूरा बन जाएगा। An hour later. क्या व्यू है, हाँ हाँ, दोनों बाजू झाड़ हो, ऐसे व्यू हो, बीच में रोड हो और गाड़ी भी अपनी नोवा हो तो चलाने का अलग ही मजा है। अरे बाप रे, क्या रोड है, दोनों राइडर हमारे आगे, दोनों NS200 ट्विनिंग हो रही है, कोई बात नहीं नोवा थोड़े दिन बाद आकाश भैया भी ले लेंगे। तो भाई साहब का मैकविल बैंड हो गया है तो भी भैया पहले जा रहे, क्या हुआ, अरे चल रहे,
भाई लगता है इसका गांव आ गया। भाई भाई मिल रहे इसके, हमको बोला आगे जाओ आप रुको, बोला हाँ ठीक है हम आगे रुकते हैं कोई बात नहीं। ओहो डेडली मैं इसके गांव को देख के मेरे गांव की याद आ गई मुझे। पीस ब्रिज तो आ गया, रुकना पड़ेगा। चलो गाइस मिलता हूँ उसके आने के बाद। 20 minutes later आ गए हमारे प्रज्योत भैया अपने भाई से मिलकर। चलो अभी जाते हैं। ए प्रज्योत, प्रज्योत उसकी गाड़ी तो भाई शावर फेंक रही है पीछे से। भाई साहब होंडा राइडर क्या गया, गांव के लोग है ना रोज का रास्ता है उनका, आदत हो गई है वो लोग को। ओ भाई तो मेरे को हार्ट अटैक ही दे गई है, ऐसा लगा अभी घुस जाऊंगा। ओ भाई साहब ये सब में लेन मारने थोड़ा डर लगता है, थोड़े भी चूके सीधा खेत में, ऐसे रोड पे बस आराम से चलो 30-40 के स्पीड में मजे लेते हुए चलो। पीछे देखा ना आपने वो कैसे आया। ओ भाई तो गायब भी हो गया। बस अभी इसके घर पहुँचे और थोड़ा आराम करें, रात से गाड़ी चला रहा हूँ। हाँ मतलब निकले तो सुबह थे पर रात भर घूम रहे थे वो भी बाइक में, थोड़ा रेस्ट मिल जाए तो भी बहुत है, ज़्यादा नहीं एक घंटा आधा घंटा भी चलेगा वैसे। हाँ सोना का मज़े ज़्यादा, वरना ट्रिप का फ़ायदा क्या होता है, सोना तो घर पे भी है। अरे वाह क्या लेके भाई, मज़ा आ गया। अच्छा वो प्रज्योत ने वो नीचे का लगाया है, वरना तो ये भाई साहब का वाइट शर्ट पूरा ब्लैक हो जाता, ब्लैक ब्राउन। और कितना दूर है भाई, अभी तो हड्डियाँ जवाब दे रही है। तो भाई साहब बोल रहे हैं हिल जैसा रास्ता, ऑफ रोड वाला, ऑफ रोड इसकी कमी थी। चलो मज़ा आएगा, हम तो टांग ऊपर कर कर के चलेंगे, मतलब चलेंगे नहीं चलाएंगे। ओ भाई साहब सच में बहुत, अरे बाप रे क्या रास्ता है, ऐसा लग रहा पहाड़ चढ़ रहा हूँ, बराबर बोला हूँ हिल टाइप रास्ता वैसा ही है। ऐसे रास्तों पे बाइक ही में ही मज़ा आता है। बहुत जन है जो मतलब शॉर्ट राइड के लिए एक्टिवा प्रीफर करते हैं या फिर नॉन गेट प्रीफर करते हैं, पर बाइक में जो मज़ा है वो मज़ा अलग है। ओह भाई साहब ये रोड तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक नहीं हो रहा। चढ़ जा लगता है पहले पे चढ़ानी पड़ेगी। चढ़ जा भाई, कमोन नोवा कमोन। ओह भाई साहब ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक रास्ता है यार, नोवा सरवाइव कर ले बस टायर को कुछ ना हो यार, वरना पहाड़ से नीचे धक्का मारना, नॉर्मल रोड पे तो मार लूँ पहाड़ पे कैसे मारूंगा। थोड़ा बेटर रास्ता दिख रहा है मुझे, तो पीछे वाला रास्ता तो भाई कुछ ज़्यादा ही खतरनाक था। चल 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 कमोन एक नंबर, अपनी नोवा की बात ही अलग है। तो बहुत ज़्यादा बिल्ला है भाई, आकाश भाई बोल रहे ऑफ रोड बिल्ला था भाई। अरे रे 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 ओ माय गॉड, और एक चल, चल, चल। भाई साहब क्या रास्ता है यार, मज़ा आ रही है पर कुछ भी बोलो। ओ काव काव काव, अच्छा वो बीच में नहीं खड़ी यार, वरना मैं तो लटक ही जाता, मैं क्या मेरे और दो साथी लटक जाते हैं। भाई क्या रास्ता है यार, चढ़ते जा रहे उतरेंगे कैसे, जो भी हो मज़ा आएगा आप देखते रहना। अच्छा हुआ बारिश नहीं आ रही है तो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ओह भाई साहब पूरा स्ट्रेट रास्ता है यार ये तो, माय गॉड कुछ ज़्यादा ही ऑफ रोड वाला रास्ता है, ऑफ रोड भी नहीं माउंटेन क्लेम कर रहे हैं। रेडिएटर फैन चालू, ओ भाई साहब को तो आदत हो गई है, आखिर उसका ही काम है ना, आदत क्यों ना होगी। मैं पहली बार आ रहा हूँ मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, इतना खतरनाक ऑफ रोड होगा मैंने सोचा नहीं था, मैंने सोचा नॉर्मल सा रहेगा और क्या,
तो कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार निकला और ज़्यादा ही खतरनाक है। पर कुछ भी बोलो मज़ा बहुत आ रहा है। लगता है गांव चालू हो गया। घर तो दिखे एक दो। ओ भाई साहब, ओ चिकन चिकन चिकन। आखिरकार थोड़ा अच्छा रोड मिली गया। बस बा आ चुके हैं हम अपनी मंजिल पे फाइनली। पर जो आखिरी वाला रोड था ना भाई साहब, मज़ा आ गया। मज़ा आया कि नहीं? ऑफ रोड के मज़े। मज़ा आया कि नहीं भाई लोग? ध्रुवी भाई, ऑफ रोड के कैसे मज़े?